केएल राहुल का फ्लॉप शो, बड़ी टीमों के खिलाफ फिसड्डी, दो वर्ल्ड कप में दिया धोखा। इंडियन प्रीमियर लीग में रनों का अंबार लगाने वाले और ऑरेंज कैप धारी नाम से फेमस केएल राहुल इस बार भी T20I वर्ल्ड कप में बुरी तरीके से फेल रहे। उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम का उपकप्तान बनाकर ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था। पिछले वर्ल्ड कप और बड़े टूर्नामेंट को रिकॉर्ड को देखें तो फैंस को उनसे उम्मीदें बेहद कम ही थी कि वो बड़े टीमों के खिलाफ कोई कमाल दिखा पाएंगे, और आखिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। फैंस की उम्मीदों के मुताबिक ही केएल राहुल बड़ी टीमों की बड़े मैचों में पीठ दिखाकर भागते नजर आए। ग्रुप स्टेज तक तो ठीक था, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उम्मीद थी कि राहुल अपना IPL वाला कमाल दिखाएंगे, फिर यहां भी उम्मीदें बेमानी साबित हुई। टीम इंडिया के उपकप्तान केएल राहुल ने हाल ही में टीम इंडिया में वापसी की थी। उनका जर्मनी में स्पोर्ट्स हर्निया का सफल ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे दौरे पर वनडे सीरीज खेलने के बाद T20I वर्ल्ड कप 2022 के लिए चुन लिया गया। सिलेक्शन कमेटी को केएल राहुल को टीम में शामिल करने से पहले उनका T20 वर्ल्ड कप का पिछला रिकॉर्ड देखना जरूर चाहिए था। दरअसल अब तक T20I वर्ल्ड कप में केएल राहुल ने T20I रैंकिंग की टॉप 8 टीमों के खिलाफ एक बार भी 20 या उससे ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। यानी रिकॉर्ड ये बताते हैं कि राहुल हमेशा ही बड़ी टीमों के खिलाफ भारतीय टीम को मझधार में छोड़कर भाग खड़े होते हैं। T20 वर्ल्ड कप में केएल राहुल ने अब तक 11 मैच खेले हैं, जिसमें 32.2 की औसत से 322 रन बनाए हैं। इस दौरान राहुल ने 550 भी लगाई है। आप कहेंगे 11 मैचों में 550 रिकॉर्ड तो अच्छा है, लेकिन आपको यहां बता दें ये सभी 50 छोटी टीमों के खिलाफ आई हैं। राहुल ने पांचों 50 अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, नामीबिया, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाई हैं। यदि केएल राहुल के T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत देखें तो वह बुरी तरीके से फ्लॉप नजर आए थे। उन्होंने शुरुआती 3 मैचों में सिर्फ 22 रन बनाए थे। यदि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट तभी कुछ एक्शन ले लेता तो शायद नतीजा कुछ और होता। मगर राहुल को टीम में बनाए रखा, फिर राहुल ने भी बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 लगातार 50 लगाकर बता दिया कि वो भी रन बना सकते हैं, लेकिन कमजोर टीम के ही खिलाफ। इन दोनों 50 को देखकर कप्तान और मैनेजमेंट ने राहुल को बाहर नहीं किया। फिर क्या था, सेमीफाइनल में जो कुछ हुआ उसे कोई लंबे समय तक नहीं भुला पाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच में राहुल 5 बॉलों पर 5 रन बनाकर एक बेहद खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाकर चलते बने थे। टीम इंडिया को खराब शुरुआत का बेहद नुकसान हुआ था, और इस मुकाबले में T20I क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी सेमीफाइनल मुकाबले में किसी टीम को 10 विकेटों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा।